हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दिल्ली बाइकर कुलविंदर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फिर वेलकम बैक अगेन इन माई फ्रेश व्लॉग। तो दोस्तों, जैसे कि थंबनेल से आपने गेस कर ही लिया होगा, ये वीडियो जो है ये कंपैरिजन वीडियो है ओल्ड वर्सेस न्यू। तो जैसे कि आपको पता ही था दोस्तों, लास्ट ईयर मैंने सेप्टेम्बर के मंथ के अंदर बजाज एवेंजर 160 स्ट्रीट BS6 ली थी। तो अभी ऑलमोस्ट अब तक सितंबर आया भी नहीं है और इसका नया मॉडल आ गया है, और नए मॉडल में क्या क्या चेंजेस हैं मैं बताता हूँ आपको फिर। तो दोनों का मैं अंदर बताता हूँ क्या क्या इन्होंने नए में और पुराने में चेंजेस करे हैं, और रेट का भी क्या डिफरेंस आया है इसमें। तो चलिए फिर दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू। तो ये है दोस्तों फिर बजाज एवेंजर 160 स्ट्रीट का बिल्कुल नया मॉडल, और ये खड़ी अपनी लास्ट ईयर 2022 की एवेंजर 160 स्ट्रीट BS6। तो सबसे पहले जो सबसे मेजर डिफरेंस है दोस्तों इन दोनों बाइक्स के अंदर, इसके अंदर इन्होंने E20, ये देखिए, मतलब कि ये वाली जो बाइक है ये एथेनॉल पेट्रोल से भी अपना चल सकती है। अभी तक मार्केट में एथेनॉल पेट्रोल आया नहीं है, बट जब भी आएगा तो ये वाली बाइक में हम वो वाला फ्यूल डलवा के इसे चला सकते हैं। बट जो हमारी पुरानी लास्ट ईयर की थी उसके अंदर नहीं हम कर सकते, तो इसमें E20 है, एथेनॉल पेट्रोल इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जो डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है दोस्तों, ये आप हेडलाइट देख सकते हैं, इसका हेडलाइट का जो आउटर फ्रेम है ये सिल्वर है, बट जो एवेंजर 160 स्ट्रीट न्यू है 2023, इसके अंदर ये इन्होंने ब्लैक दे दिया। तो सबसे पहले ये, उसके बाद अलॉय पे जाएं हम, तो अलॉय के अंदर जो इन्होंने ये सिल्वर स्ट्रिप्स लगाई इसमें है, और ABS का भी जो है वो सिल्वर था, बट जो नया मॉडल है अपना चार्ज एवेंजर 160 स्ट्रीट 2023 का, इसके अंदर ये दोनों चीज़ें ब्लैक हैं, ये भी ब्लैक है और ये पूरा का पूरा ही अलॉय व्हील ब्लैक है। और उसके अलावा इसके क्लच लीवर और ब्रेक लीवर ये दोनों भी ब्लैक हैं, पहली वाली में सिल्वर आते थे, ये देखिए आप, ये दोनों सिल्वर हैं। तो जो ओडोमीटर पुरानी वाली का था दोस्तों, उसके अंदर इन्होंने ये जो रिंग था इसका ये सिल्वर था, और जो नई वाली है उसके अंदर इन्होंने ये भी ग्लॉसी ब्लैक कर दिया है। और जो फ्यूल टैंक का ढक्कन है उसमें देखिए आप, E20 का एक स्टिकर लगा हुआ है और ये भी पूरा ग्लॉसी ब्लैक कर दिया है, जबकि पुरानी वाली के अंदर सिल्वर था। तो जैसे कि देखा आपने, इसका एवेंजर का जो बैच है ये पुराने वाले मॉडल में क्रोम था, बट जो नया मॉडल है उसके अंदर इन्होंने मैट ब्लैक कर दिया है। इसी तरीके से दोस्तों इन्होंने काफ़ी कुछ जैसे कि पुरानी वाली में ये क्रोम था, उसके बाद ये वाला सिल्वर है, और साइलेंसर के ऊपर भी जो ये प्रोटेक्शन के लिए ये भी सिल्वर है और ये भी सिल्वर है, और जबकि जो नया वाला मॉडल है उसके अंदर इन्होंने सारा कुछ ये ब्लैक कर दिया है। देखिए आप, ये ग्लॉसी ब्लैक, ये भी ब्लैक कर दिया है ग्लॉसी, ये भी ग्लॉसी ब्लैक कर दिया है। उसके अलावा ये मैट फिनिश में मैट ब्लैक कर दिया है, इसको भी इन्होंने मैट ब्लैक कर दिया है, और ये भी मैट ब्लैक कर दिया है, ये ढक्कन भी इन्होंने मैट ब्लैक कर दिया, जबकि जो पुरानी वाली थी उसके अंदर ये क्रोम था। ये ब्रेक पैडल देखिए आप, ये क्रोम था, और ये वाला जो है बोल्ट कवर ये भी क्रोम था, और जैसे ये फुटरेस है ये सिल्वर है, और इसके अंदर इन्होंने ये ब्लैक कर दिए हैं, ये देखिए आप, ये भी ब्लैक कर दिए हैं। तो ऑलमोस्ट इन्होंने जो जो सिल्वर पार्ट था पुरानी वाली में वो सब इन्होंने ब्लैक कर दिया है। अब ये देखिए, जैसे ये सिल्वर है, बट जो ये नई वाली है इसके अंदर भी इन्होंने ये ग्लॉसी ब्लैक कर दिया है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस करके दोस्तों इन्होंने इसके अंदर सारा कुछ ब्लैक कर दिया है, जो जो पुरानी वाली में सिल्वर या क्रोम था। जैसे कि मैं इस साइड से भी दिखाता हूँ आपको, अब ये गियर पैडल है, अब ये गियर पैडल क्रोम था पहले, और साइड स्टैंड भी क्रोम था, और यहाँ पर भी एक बोल्ट के ऊपर कवर होता है, ये भी क्रोम है, बट जो नई वाली है उसके अंदर भी इन्होंने ये ब्रेक पैडल भी पूरा ब्लैक मैट कर दिया है, साइड स्टैंड भी ब्लैक मैट कर दिया है, और ये बोल्ट को भी इन्होंने ब्लैक कर दिया है। तो बस सारा कुछ इन्होंने सिल्वर और क्रोम से ब्लैक मैट या ब्लैक ग्लॉसी कर दिया, दो ही कलर इन्होंने इसके अंदर चेंज करे हैं, कुछ कुछ में ब्लैक मैट है और कुछ कुछ के अंदर ब्लैक ग्लॉसी है।
तो यही डिफरेंस है मोटा मोटा दोस्तों, बाकी सब कुछ सेम है इन दोनों बाइक्स में। बस सिर्फ एक एथेनॉल से वो चल सकती है, एथेनॉल पेट्रोल से, E20 है उसके अंदर, और ये जो है ये नॉर्मल अपना फ्यूल से चलती है, ये एथेनॉल पेट्रोल से नहीं चल पाएगी। तो यही डिफरेंस है दोनों बाइक्स के अंदर, बट रेट का बड़ा मेजर डिफरेंस है। जो मैंने जब ये बाइक ली थी लास्ट ईयर सितंबर के अंदर 2022 के अंदर, तब इस बाइक का जो मुझे ऑन रोड पड़ी थी, ये पड़ी थी 136,000 की, 136,000। बट जो ये नई एवेंजर है अपनी 2023 E20 वाला मॉडल जो है, ये हमें ऑन रोड पड़ेगा 142,444 रुपीज़। तो ये दोनों डिफरेंस है रेट का, देख सकते हैं आप कि ऑलमोस्ट 6,500 रुपये का डिफरेंस आ गया है सिर्फ E20 होने की वजह से। और इसके अंदर ये बेनिफिट है कि जब भी कभी इंडिया में E20 हमें फ्यूल अवेलेबल होगा तो वो हम इसमें डलवा के चला सकते हैं, बट जब पुराने वाले मॉडल में हम नहीं चला सकते वो वाले फ्यूल से अपनी गाड़ी को। बस यही मेजर डिफरेंस है। और पुराने वाला मॉडल भी अभी भी मिल रहा है, वो ऑन रोड अभी 137 का पड़ रहा है। तो ये अब आपके ऊपर है, आपने नया लेना है पुराना लेना है। अगर आप E20 वाला लेना चाहते हैं तो आपको 6,500 रुपये ज़्यादा खर्चने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं पुराना वाला मॉडल भी E20 के बिना ही मिल जाए, तो वो वाली में कुछ भी चेंज नहीं करा, वो सेम ऐसी की ऐसी है। तो ये है फिर दोनों दोस्तों दोनों बाइक्स का जो है मेजर डिफरेंस। देखने में ऑलमोस्ट दोनों सेम लगती हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मेरी वाली के अंदर जो था पहले MRF के टायर आ रहे थे, बट इसके अंदर आ रहे हैं अपना, देखते हैं कौन से टायर हैं आई थिंक। तो फ्रेंड्स, फिर इन दोनों के अंदर जो टायर का है, टायर का भी इन्होंने ब्रांड चेंज कर दिया है। पहली वाली में हमारे MRF के टायर आ रहे थे, बट जो अब आ रही है उसके अंदर इन्होंने TVS की यूरो ग्रिप टायर डाल दी है। डायमेंशन टायरों की सेम है। ये है दोस्तों फिर दोनों बाइक्स अपनी बिल्कुल सिमिलर हैं, और जो जो डिफरेंस था मैंने आपको बता दिया है। और ये आए हुए हैं बजाज के बग्गा लिंक के सबसे बड़े शोरूम के ऊपर, जो कि अपना झंडे वाला करोल बाग में है। तो अगर आप यहाँ से ये बाइक लेंगे दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री इसके साथ आपको एक तो सीट कवर मिलेगा, उसके अलावा इसके साथ आपको डिस्क लॉक और हेलमेट लॉक मिलेगा, और एक हेलमेट कॉम्प्लीमेंट्री तो मिलता ही है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी अगर आप यहाँ से गाड़ी लेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि दिल्ली का सबसे बड़ा स्टोर है यार, यहाँ पर आपको बड़ी सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी, बड़ी सारी बाइक्स यहाँ पर खड़ी होती हैं। तो आपने जो सी भी अपने आप चूज़ कर सकते हैं, आप कौन सी आपको पसंद आ रही है, तो ये देख के आप यहाँ से ले सकते हैं। ये है दोस्तों फिर ये बाइक्स अपनी दोनों। आप भी मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों कि दोनों में से आपको कौन सा मॉडल ज़्यादा अच्छा लगा, पुराने वाला कि नया वाला। दोनों का इंजन भी 160 है, बट जो जो डिफरेंस थे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं इसके अंदर। तो इस बाइक का साउंड लोड भी सुना देता हूँ कि इसका आवाज़ कैसी है इस बाइक की, दोनों का सुना देता हूँ। तो चाबी गाएं इसकी, ये करते हैं ऑन। ये साउंड है इसकी दोस्तों, अब अपनी पुरानी वाली जो है उसका देखते हैं कि डिफरेंस है कुछ की नहीं है। ये अपना पुराने वाले मॉडल विदाउट E20 DS6 है, ये साउंड है इसकी। फिर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जो जो मेजर डिफरेंसेस थे दोनों में, ओल्ड में और ओल्ड वर्सेस न्यू में, सारा मैंने आपको बता दिया है, प्राइस भी बता दिया है, और जो जो नए मॉडल के अंदर इन्होंने चेंजेस किए हैं वो भी मैंने दिखा दिए हैं आपको। तो अगर दोस्तों आपने ये वीडियो एंड तक देख ली है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना दोस्तों। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा मैं। मिलते हैं दोस्तों फिर और किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।